हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर डेली 3 बजे आपको क्विज और प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जाता है। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के पेपर में कार्बोहाइड्रेट स्पेशल सीरीज़ 1। इसमें हम डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट को। 2 सीरीज़ में हम पूरे कार्बोहाइड्रेट को क्वेश्चंस के थ्रू समझ के कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कार्बोहाइड्रेट के चैप्टर में, कौन सा पोषक तत्व शरीर में ऊर्जा प्राप्ति का मुख्य स्रोत है। तो जब ऊर्जा प्राप्ति के मुख्य स्रोत की बात आती है तो आंसर आपका होगा कार्बोहाइड्रेट। अब बात कर लेते हैं कि शरीर को ऊर्जा किन किन पोषक तत्वों से प्राप्त होती है। तो 3 ऐसे पोषक तत्व हैं जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करते हैं। सबसे मुख्य जो कि कार्बोहाइड्रेट है, जिसको हमने पढ़ ही लिया है। दूसरा है हमारा वसा, वसा भी शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। और तीसरी है हमारी प्रोटीन, प्रोटीन भी शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। प्रोटीन जिस स्थिति में शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है वह स्थिति जो है शरीर के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। हमारे शरीर में जब कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो जाती है उस दशा में प्रोटीन हमें जो है ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। और स्थिति यह होती है कि प्रोटीन अपना मुख्य कार्य, प्रोटीन का मुख्य कार्य होता है शरीर की वृद्धि एवं विकास करना। प्रोटीन अपना मुख्य कार्य छोड़कर शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करने लगती है। इसी कारण जो है प्रोटीन से ऊर्जा प्राप्त जो होती है वो अच्छी नहीं मानी जाती है। तो ऊर्जा मुख्य रूप से 2 ही स्रोतों से प्राप्त होती है, पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा वसा। बात कर लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो 1 ग्राम कार्बोज से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट से अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम सॉरी फैट फैट से 1 ग्राम फैट से 9.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रोटीन की भी बात कर लेते हैं कि प्रोटीन से जो है कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो 1 ग्राम प्रोटीन आपको 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से कहाँ प्राप्त होता है। कहाँ से तात्पर्य जो है यहाँ आपसे पूछ रहा है कि कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमको वनस्पति जगत से प्राप्त होता है। आगे पढ़ते हैं, 3rd क्वेश्चन है हमारा कार्बोहाइड्रेट को अन्य किन नामों से जाना जाता है। तो उसको श्वेत सार के नाम से भी जाना जाता है, कार्बोज के नाम से भी जाना जाता है, और अगर शॉर्ट में पूछे तो CHO के नाम से भी कार्बोहाइड्रेट को हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय आहार में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होती है। आपसे पूछ रहे हैं कि जो इंडियन है उनके खाने की थाली में लगभग कितना कार्बोहाइड्रेट होता है। तो 60 से 70% मात्रा जो है उनके भोजन में कार्बोहाइड्रेट की पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कार्बोहाइड्रेट का सूत्र क्या है। तो CH2O ये हमारा कार्बोज का, कार्बोहाइड्रेट का या श्वेत क्षार का जो है ये हमारा सूत्र है। आगे बढ़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट का संगठन किन किन तत्वों से हुआ है। आपसे ये पूछ रहा है कि किन किन तत्वों के मिलने से कार्बोहाइड्रेट बना है। तो इसको शॉर्ट में याद करिएगा, जैसे कि हम कार्बोहाइड्रेट को कहते हैं CHO, सी से आपका कार्बन, एच से हाइड्रोजन और ओ से ऑक्सीजन। मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये 3 एलिमेंट हैं जिनके मिलने से कार्बोज या कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है हमारा 7, कार्बोहाइड्रेट की संरचना में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है। तो किसी भी चीज़ का अनुपात निकालने के लिए जो है
उसका सूत्र आपको पता होना चाहिए। तो C6H12O6, अगर आप इसको मानते हैं तो इसके आधार पर हम अनुपात निकालेंगे, तो हमारा अनुपात निकलेगा 1:2:1। ये हमारा CHO का अनुपात है। और आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कार्बोहाइड्रेट की संरचना में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात, मतलब इनका पूछ रहा है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना हुआ? 2:1। कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो अगर पूछेगा तो 1:2, ये होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट की संरचना में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात किसके समान होता है? तो जैसा कि हमको पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात हमारा होता है 2:1, तो आंसर है हमारा कि जल के समान होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जल का सूत्र क्या होता है। जल का सूत्र होता है H2O, तो इसका रेशियो हो गया 2:1, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जो है जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अनुपात के समान या बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्बोहाइड्रेट के निर्माण के लिए पौधों में कौन सी क्रिया होती है? हम इससे पहले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं कि जो कार्बोज है वो हमें मुख्य रूप से किस स्रोत के द्वारा प्राप्त होता है, तो वनस्पतिक स्रोत के द्वारा। तो इसकी जो प्राप्ति की क्रिया होगी वो भी पौधों में होगी। तो ये पूछ रहा है आपसे किस क्रिया के बाद जो है कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बाद कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है पौधों में। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है? तो पेड़ पौधों में जो हरा रंग, पत्तियों के हरे रंग के लिए जो वर्णक उत्तरदायी होता है उसको क्लोरोफिल कहते हैं। तो पेड़ पौधों में पाया जाने वाला क्लोरोफिल नामक रंग वर्णक सूर्य के प्रकाश यानी सनलाइट के प्रेजेंट में पानी और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है। इसके बाद ये जो है ऊर्जा का निर्माण करता है हमारे शरीर में, पेड़ में सॉरी, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बाद ही जो है पेड़ पौधे पत्तियों में अपने भोजन का निर्माण करते हैं। पेड़ पौधों के भोजन को ही हम कार्बोज के रूप में ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं या कार्बोहाइड्रेट के रूप कौन कौन से होते हैं? तो मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट के 3 रूप होते हैं, मोनोसैकेराइड, डाईसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड की बात करें तो ये सबसे सरलतम रूप होता है, ये मोनोसैकेराइड से थोड़ा सा जटिल होता है। और पॉलीसैकेराइड जो है हमारा ये सबसे जटिलतम रूप होता है। इसके अंदर के पार्ट और इनके अंदर की शर्कराओं को हम अभी क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। क्वेश्चन है आपका, कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप कौन सा होता है? तो सबसे सरल रूप कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज है। अगर आंसर में आपको ग्लूकोज नहीं दिया है तो मोनो, डाई और पॉली में से पूछ रहा है, तो आपका आंसर होगा मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा रूप होता है। अगर आपको ग्लूकोज, फैक्टोज, लैक्टोज, माल्टोज इस तरीके के ऑप्शन में दिए हुए, तो ग्लूकोज होगा आपका सबसे सरलतम रूप कार्बोहाइड्रेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोनोसैकेराइड जल में घुलनशील है अथवा अघुलनशील? अघुलनशील लगा लीजिएगा। तो जो मोनोसैकेराइड होती है ये सबसे सरलतम रूप होता है कार्बोहाइड्रेट का और ये जल में घुलनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोनोसैकेराइड में कौन कौन सी शर्कराएँ आती हैं? तो मोनोसैकेराइड में मुख्य रूप से 3 शर्कराएँ आती हैं, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रैक्टोज। इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, GGF, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रैक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्लूकोज को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, एक ही क्वेश्चन में आपके कई सारे क्वेश्चंस हमने जो है मिला दिए हैं।
तो ग्लूकोज को ब्लड शुगर कहा जाता है, रक्त की शर्करा कहा जाता है ग्लूकोज को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि शरीर में इसका अवशोषण जो है रक्त में कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण ग्लूकोज के फॉर्म में ही होता है, इसीलिए ग्लूकोज को रक्त की शर्करा कहते हैं, ब्लड शुगर कहते हैं। करंट एनर्जी बोला जाता है इसको। करंट एनर्जी क्यों बोला जाता है? क्योंकि यह सीधे रक्त से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। नेक्स्ट है, इसको करंट कार्बोहाइड्रेट क्वाइन ऑफ बॉडी कहा जाता है। आगे है आपका कॉर्न शुगर कहा जाता है ग्लूकोज को। ग्रेप शुगर, अंगूर की शर्करा भी ग्लूकोज को कहा जाता है। और आगे है आपका डेक्सट्रोज भी ग्लूकोज को ही कहा जाता है। तो ग्लूकोज के ये 6 नाम हैं, ब्लड शुगर, करंट एनर्जी, करंट कार्बोहाइड्रेट क्वाइन ऑफ बॉडी, कॉर्न शुगर, ग्रेप शुगर और डेक्सट्रोज। ये सारे के सारे आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ते हैं। मानव रक्त में कितना ग्लूकोज पाया जाता है? तो 80 से 100 पर 100 ml ऑफ ब्लड। 100 ml ब्लड में 80 से 100, ये है आपकी रक्त में ग्लूकोज की उपस्थिति। आगे क्वेश्चन है हमारा, ग्लूकोज को रक्त शर्करा क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि रक्त के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण जिस रूप में होता है वह ग्लूकोज ही है। ग्लूकोज के फॉर्म में ही रक्त के द्वारा अवशोषित किया जाता है। ये क्वेश्चन इसी को हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि रक्त शर्करा क्यों कहते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के फॉर्म में ही अवशोषित किया जाता है। बढ़ते हैं आगे। आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज हमारे शरीर में कहाँ संग्रहित होता है? कहने का मतलब ये है कि ग्लूकोज हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है, और अगर हमारे शरीर को सफिशियंट मात्रा में ऊर्जा प्राप्त हो रही है और हमारे शरीर में ग्लूकोज अधिक है तो वह ग्लूकोज कहाँ पर संग्रहित होगा? तो यकृत और मांसपेशियों में वह ग्लूकोज संग्रहित होता है। आगे है क्वेश्चन आपका, ग्लूकोज का संग्रहण किस रूप में होता है? तो जो हमारे शरीर में आवश्यकता से अधिक बचा हुआ जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन के रूप में यकृत और मांसपेशियों में संग्रहित होता है। यकृत में मुख्य रूप से जो है संग्रहित होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अधिक होने पर कौन सा रोग हो जाता है? तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अधिक होने से मधुमेह यानी कि डायबिटीज हो जाता है व्यक्ति को। आगे क्वेश्चन है आपका, मूर्छित होने या कमजोरी होने पर ग्लूकोज क्यों दिया जाता है व्यक्ति को? तो आंसर होगा आपका, क्योंकि ग्लूकोज सीधे रक्त से मिल जाता है, इसीलिए हम इसको ब्लड शुगर कहते हैं। और सीधे रक्त से मिलकर यह शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है, इसीलिए मूर्छित होने या अधिक कमजोरी की स्थिति में व्यक्ति को ग्लूकोज दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, फलों की शर्करा किसे कहते हैं? इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। फ्रक्टोज को हम फलों की शर्करा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रक्टोज को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो लेव्यूलोज के नाम से जाना जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि फ्रक्टोज का दूसरा नाम क्या है, लेव्यूलोज, या लेव्यूलोज को किस नाम से, लेव्यूलोज जो है किस शर्करा का नाम है? तो फ्रक्टोज का। आगे क्वेश्चन है, फ्रक्टोज की प्राप्ति के स्रोत कौन कौन से हैं? तो फल, शहद, फलों का रस आदि फ्रक्टोज की प्राप्ति के स्रोत हैं। आगे क्वेश्चन हमारा है, फ्रक्टोज का संग्रहण किस रूप में होता है? पूछ रहा है कि फ्रक्टोज शरीर में किस रूप में संग्रहित होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में ही फ्रक्टोज का संग्रहण होता है, जैसा कि ग्लूकोज का जो है संग्रहण भी हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में होता है, और फ्रक्टोज भी हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में ही संग्रहित होता है। आगे बढ़ते हैं, मोनोसैकेराइड का कौन सा रूप प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो गैलेक्टोज प्रकृति में स्वतंत्र रूप से जो है उपस्थित नहीं होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैलेक्टोज को अन्य किस नाम से जाना जाता है? गैलेक्टोज को न्यूरॉन शुगर कहा जाता है, न्यूरॉन शुगर के नाम से गैलेक्टोज को जाना जाता है। यह जो है मस्तिष्क को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, मानव मस्तिष्क तथा नाड़ी संस्थान को ऊर्जा देने का कार्य कौन करता है? तो गैलेक्टोज करता है, गैलेक्टोज को हम न्यूरॉन शुगर कहते हैं, मस्तिष्क को ऊर्जा देने का यह कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे रक्त में गैलेक्टोज की मात्रा बढ़ने से कौन सी बीमारी या रोग हो जाता है व्यक्ति को? तो जब किसी भी व्यक्ति के रक्त में गैलेक्टोज की मात्रा अधिक होगी तो उसको गैलेक्टोसीमिया नामक बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा मोनोसेकेराइड के दो अणुओं के मिलने से किस द्वि संरचना का निर्माण होता है? तो मोनोसेकेराइड के दो अणुओं के मिलने से डाईसेकेराइड का निर्माण होता है। आगे क्वेश्चन है, हमारा डबल शुगर के नाम से किसको जाना जाता है? तो डाईसेकेराइड को ही डबल शुगर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाईसेकेराइड के अंतर्गत कौन सी शर्कराएं आती हैं? तो डाईसेकेराइड के अंतर्गत सुक्रोज, माल्टोज और